बच्चे का कत्ल करने वाला आरोपी गिरफ्तार, पुलिस ने किया खुलासा। मुरादाबाद के कुंडरकी में 15 वर्षीय बच्चे का शव मिला था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो वहीं परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है। उत्तर प्रदेश के जनपद मुरादाबाद के कुंडरकी में 15 वर्षीय बच्चे का शव मिला था, जिसकी सूचना पुलिस को दी गई तो वहीं परिजनों ने बच्चे की गुमशुदगी दर्ज कराई थी, बच्चे की गला रेतकर हत्या कर दी थी, जिसके आरोपी को पुलिस ने आज गिरफ्तार किया है, जिसके पास से खून से लथपथ कपड़े, मोबाइल और मोटरसाइकिल बरामद की है। विभिन्न धाराओं में मुकदमा दर्ज कर पुलिस द्वारा जेल भेजा जा रहा है। एसपी देहात के विद्यासागर मिश्रा ने जानकारी देते हुए बताया कि हाल ही में कुंडरकी में एक रेप का मुकदमा लिखा गया था, जिसमें मृतक के भाई आरोपी थे और यह लोग लड़की पर पहले दबाव बनाने के लिए मृतक के भाई ने ही भाई की हत्या की है। उनके पीड़ित लड़की के परिवार के लोग दबाव बनाना चाहते थे, लेकिन पुलिस ने इसका खुलासा किया है। कुंडरकी में एक बच्चे की डेड बॉडी मिली थी। इस संबंध में पहले जब जानकारी की गई तो यह प्रकाश में आया कि बच्चा ढकिया का रहने वाला है और इसकी गले काट करके हत्या की गई है। इनके परिजनों द्वारा नामजद तहरीर दी गई, लेकिन जब विवेचना प्रारंभ की गई तो विवेचना से अभियुक्त नसीम का नाम प्रकाश में आया। नसीम जो मृतक है उसका चचेरा भाई है और इसकी पृष्ठभूमि में नसीम और मृतक दोनों के भाई एक दुष्कर्म के मामले में आरोपी थे। जो इस घटना का अभियुक्त है उसका भाई दुष्कर्म के आरोप में जेल जा चुका है और लड़की वालों के परिवार के ऊपर दबाव बनाने के उद्देश्य से और फैसला हो जाए इस उद्देश्य से नसीम ने अपने सगे चचेरे भाई की गला काट करके हत्या कर दिया। ये नसीम जो मृतक है एक दुकान पर काम कर रहा था, उस दुकान पर ये अपने पहचान को छिपाते हुए किसी अन्य के माध्यम से उसको बुलवाया और ले जाकर के कुंडरकी बाईपास पर इसका गला काट दिया। पुलिस के द्वारा जब विवेचना प्रारंभ की गई तो ये जानकारी हुई और इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से और हमारे एएसपी हाईवे श्री अनिल यादव, सीओ सलोनी अग्रवाल और थानाध्यक्ष कुंडरकी, सर्विलांस टीम प्रभारी नीरज, आप लोगों के द्वारा साइंटिफिक एविडेंस कलेक्ट करते हुए, क्योंकि इस घटना में जो मर्डर की घटना है इसमें नसीम के द्वारा अपने आप को आई विटनेस बताया गया कि मेरे सामने जो पुराने अभियोग हैं उसके जो वादी हैं उनके परिजनों द्वारा हत्या की गई थी, जबकि ये हत्या इसके द्वारा खुद की गई थी और हत्या का दूसरे के ऊपर आरोप लगा करके अपने आई विटनेस बन रहा था और इसके कब्जे से जिस आला कतल से हत्या की गई वो आला कतल बरामद हो गया है। घटना के दिन जो ये पहने हुए कपड़े और मृतक का जो मोबाइल था वो भी बरामद हो गया है।